सरीपन सरीपन के पेट में गोली मारी, पेट में गोली, छाती में गोली, दो जगह लगी पड़ी उसकी। और नंगा होकर सारी पब्लिक के बीच नंगा होया। अच्छा हाँ, हो गया हाथ में यू या में गोली दी और वहां अली जान ने। तो सुबह सुबह एक गाड़ी आईवा, एक ट्रैक्टर पत्थर के भर के सीधा सट हमला कर दिया, पेड़ बरसाए, लाठी दी, राड दी, हमारे बूढ़ा बढ़ान के, हमारे बालकन के, बच्चान के भी थी। हाँ, और दो अली जान पे और उस पे बंदूक थी, उस पे अली अलीम पे, किसी पे फरसा, किसी पे लाठी, गोलियां चलाई। हाँ, सीधी फायर करी आदमी की, पूरी आदमी मार, जान से मारने की नीयत से सीधी फायर करी सबके सामने, पूरा गांव देख रहा था, तीन चार गांव के आदमी भी आ गए, तीन चार गांव में माइकों पे भी ऐलान हुआ, हमने 112 के लिए भी कॉल करी थी, 112 भी आई, एक पुलिस के सामने भी नहीं माने वो लाठी डंडा बरसाते। मेवात इलाके में पंचायत चुनाव के दौरान कितनी रंजिश हुई, कितने लड़ाई झगड़े हुए, ये किसी से छुपे नहीं है। इस लड़ाई झगड़े में न जाने कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो कई सारे लोगों ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा भी कह दिया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रोजका मेव थाना क्षेत्र के गांव बड़का अलीमुद्दीन में, और बड़का अलीमुद्दीन गांव में 24 तारीख को चुनावी रंजिश को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है। इस दौरान करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, किसी को गोली लगती है, किसी को पत्थर लगते हैं, तो किसी को लाठी डंडों से गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। यहाँ हमारे साथ पूरे गांव के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गांव में अंधाधुंध गोलियां चली, जिसकी वजह से अंधाधुंध पत्थर बरसाए गए, इनमें महिलाएं भी घायल हुई हैं, इनमें नौजवान, युवा और बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। खैर, कितने लोग के चोट लगी है, उनकी कंडीशन क्या कुछ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गांव के मौजूदा सरपंच, इसके अलावा गांव के सभी जिम्मेदार लोग, नौजवान तबका और बुजुर्ग और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से यहां पर अंधाधुंध गोलियां चली, यहां पर जमकर पत्थर बरसाए गए। हमारे साथ सबसे पहले गांव के मौजूदा सरपंच है इरशाद, इनसे जानेंगे। इरशाद, क्या हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ जी। ये झगड़ा हुआ था 23 तारीख को ही, 23 तारीख को हमारे परिवार के कुछ बच्चे उसके लिए जाते हैं जिम के लिए, वो माहौन गांव में जिम पड़ती है, पड़ोस में ही गांव है, 2-3 किलोमीटर का फासला है वहाँ, जो इन्होंने बीच में एक मोरी पड़ती है वहाँ पर बच्चों को घेर कर, इनका घर नज़दीक पड़ता है, वहाँ से घेर कर मारा था। किसने मारा, कौन लोग? जो अलीजान वगैरह है, जो एक्स सरपंच है, उसको अभी अपनी इलेक्शन की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसने कई बार फोन पे भी वैसे भी धमकी देता रहता है, और इधर उधर से भी आदमी भेजे, मेरी पिछली इंक्वायरी मत कराना तू, नहीं मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वैसे ही कहा ठीक है भाई मैं नहीं करा रहा तेरी इंक्वायरी। आज तक फिर उसके बाद हमें कुछ पता नहीं थी, ये बच्चे ने हमारे ने बताई भी नहीं यहाँ घर पर आके। मैं तो बिस्तर में सोया हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह सुबह एक गाड़ी आईवा, एक ट्रैक्टर पत्थर के भर के सीधा सट हमला कर दिया, और दो अली जान पे और उस पे बंदूक थी, उस पे अलीम पे, किसी पे फरसा, किसी पे लाठी, गोलियां चलाई। हाँ, सीधी फायर करी आदमी की, पूरी आदमी मार, जान से मारने की नीयत से सीधी फायर करी सबके सामने, पूरा गांव देख रहा था, तीन चार गांव के आदमी भी आ गए, तीन चार गांव में माइकों पे भी ऐलान हुआ, हमने 112 के लिए भी कॉल करी थी, 112 भी आई, एक पुलिस के सामने भी नहीं माने वो लाठी डंडा बरसाते। अच्छा, उसके बाद चलते यहाँ से कुछ हमारे 10-12 आदमी इनके चोट आई, चोट आने के बाद हमने उसमें नूह की सरकारी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, दो को तो पुलिस ही ले गई थी, जो 112 नंबर गाड़ी आ गई थी, हमें पता भी बाद में पड़ा कि पुलिस ले गई उनको, उन्होंने एडमिट कराई सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ से उनका MLR हुई, तीन को रेफर दिल्ली कर दिया गया, तीन उनमें से कुछ आदमियों के छर्रा हैं, किसी के पेट में है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है, और कुछ आदमी लाठी डंडों से घायल है, ये हुआ। और तो एक जो हाईवे था उनका इलाज दिल्ली रेफर किया था, दिल्ली सफदरजन में, कौन सी मेजर मुझे पता नहीं है अभी, मैंने इतना तो मालूम भी नहीं करा, दिल्ली बोल रहे हैं अभी, मैंने पूछा नहीं है उनसे भी। जो हाईवे था उसमें पत्थर भरे हुए थे, वो JCB से पत्थर पहाड़ से भर के लाए,
जेसीबी से पत्थर भर के लाए तो उस बैग की बैग सीधा बैग हमारे घर है उसमें दीवार में सीधी टक्कर दी, एक भैंस का कटड़ा में लग गया, भैंस के लग गई और सीधी दीवार ढह गई सीधी। अच्छा, पूरी दीवार टूट दी। अगर उस घर के अंदर भी आदमी होते, उस मकान के, वो टीनों का मकान था, उसके अंदर भी मकान आदमी होते तो उनके भी चोट आती, मर भी सकते थे वो। चलिए, ये हमारे साथ गाँव के मौजूदा सरपंच थे जो सारे हालात को बता रहे हैं। हमारे साथ और भी, अच्छा आप सरपंच के पापा हैं, पिताजी? अच्छा बाबा, ये बताइए नाम क्या है आपका? नाम उस्मान है। उस्मान, अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों को चोट लगी है, किस किस ने गोली चलाई? अलीम और करीम वाने, अली जान ने। अली जान ने गोली चलाई? गोली उन्होंने चलाई। अच्छा, कितनी? छह फायर किए हैं जी। छह फायर किए। कितने लोगों को लगी गोली? छह इनके लगी। अच्छा, छह फायर किए, छह लोगों को गोली लगी? हाँ जी, हाँ जी। आपकी तरफ से? हाँ जी, छह उनकी तरफ से चली, पुलिस नहीं चली। हाँ, पुलिस नहीं चली जी। हाँ, उनकी तरफ से गोली चली है। हाँ, तो आपके लोगों को? हमारे आदमियों को लगी। हाँ, तो महिलाएं भी थी कुछ? महिलाएं ही लगी पेट में, पेट में जो महिला, दो, एक महिला दो मर्द, मतलब वहाँ दिल्ली है अस्पताल में दाखिल। अच्छा, क्या नाम है महिला का, क्या नाम है? हाँ, वो सरीपन है जिसका नाम। सरीपन? हाँ, सरीपन के पेट में गोली मारी? पेट में गोली, छाते में गोली, दो जगह लगी पड़ी उसकी। अच्छा, हाँ, तो अब उसकी कंडीशन कैसी है? देखो जी, अब ये तो जो हूँ आदमी, हम तो कल से वो सही परेशान है, वो हमारे खिलाफ वो केस ही बनवाने जा रहे हैं ना। और वो अपने छोरा पर देखे नहीं, अपने कोई चक्कू पक्कू काट कूट के नहीं, भाई मतलब क्रॉस केस बनाने जा रहे हैं ना, हम तो उसी जाल में परेशान हैं। अच्छा, मतलब खुद से अपने गोली मार करके केस बनवाना चाहते हैं आप लोगों पर? हाँ, हमारे खिलाफ। अच्छा, भरे हैं उन्होंने? क्या उन्होंने एक आदमी के पिंडी फाड़ के चार बजे शाम के चार साढ़े चार बजे MLR कटवाई है। सुबह झगड़ा हुआ है 8 बजे। सुबह झगड़ा होने के बाद में फिर शाम को, सुबह झगड़े में तो उस आदमी की लगी नहीं कहीं, फिर शाम को उन्होंने क्रॉस केस करवाने के मारे ब्लेड से चीर के पिंडी में अपना आप छर्रा भरे हैं उसके। उन्होंने अच्छा गोली उनकी तरफ से चली। तो फिर ये कैसे पता लगा? राउंड चलिए उस शाम को पता ही है, डॉक्टरों ने वहाँ से पता लग गई भाई इन्होंने वैसे ऐसे MLR कटाई कोई। अच्छा, हाँ, हम तो मरीज के साथ चले गए, ज्यादा जनानी का लगी पड़ी तो सरीपन के। सरीपन के एक सौ की गंभीर है, मतलब 100 की नाम है उसको, गंभीर हालत बनी हुई है। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ, कार्रवाई कर रही है, उनमें 3-4 आदमी अरेस्ट कर लिया उन्होंने, जो पूर्व सरपंच अलीजान वो भी अरेस्ट कर लिया उन मौके पे ही। उसी ने झगड़ा चलाया, वो अलीजान ने गोली चलाई, अलीजान ने और अलीम ने, दोनों भाई ने गोली चलाई। अच्छा, और वीडियो बनाई हुई है हमारे पे, वीडियो बनी, हम तो झगड़े पे ही ना आए। तो लाइसेंस से हथियार थे, अवैध थे? तो अवैध हथियार, अवैध हथियार, अवैध, अवैध। अच्छा, जितने हथियार है, दो हथियार आए तो दोनों अवैध हथियार थे, कोई लाइसेंस नहीं उस पे। उसके तो यही दर्द नहीं निकल रहा है जी कि ये सरपंच कैसे ले ली इन्हें, मैं हार गया, ये दर्द है सारा, और कुछ ना है, और कोई बीमारी नहीं है, कोई बड़ा की लड़ाई नहीं, ये तो एक बहाना है जनाब। अच्छा, पहले कितनी बार सरपंच रहे वो? दो मरतबा रहा थी लगातार। हाँ जी, 13 साल सरपंच करी है ना, 3 साल तो कोरोना के वास्ते होगी। और दो प्लान बन ही गया है। वो दो प्लान बनने के बाद में अब उसके तो ये कड़वास ना निकल रही, सरपंच कैसे ना आई मेरे पास। अच्छा, वो लड़ाई है जी, और कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, और कोई बात नहीं है? नहीं, ये तो बहाना है सब बच्चों का, तो बच्चों पर लड़ाई कहाँ होती है? जिस दिन जीत हुई थी ना, उस दिन इलेक्शन वाले दिन मैंने झगड़ा किया है, शाम को हम 9 में थे वहाँ, वोट समझ रही काउंटिंग हुई, वहाँ से इतने हम घर ना पे, इतने तो हमारे घर पे ही गेट बाजार पत्थर गेट तोड़ दिया, हमारे एप्लीकेशन दी हमने, वो भी नरमाई करी, वो भी बर्दाश्त करी। सन 2000 मकान टूटा पड़ा इलेक्शन वाले दिन की लड़ाई के भी, मकान हमारे टूटा पड़ा अब भी, और रोब दिखाते हैं हमारे बच्चे इन पे भी, अगर देखेंगे तो हमने 5 साल तक पीटते रहेंगे हम। अच्छा, हाँ जी, हारने के बाद भी? हारने के बाद भी ये पोजीशन है उनकी, बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत बड़ी कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं। तो आप लोग फिर डरे हुए हैं सारे लोग? अरे डर के ही तो हम, और क्या करा, घर पे लड़ाई हुई है सारी, जितनी लड़ाई हुई है घर पे हुई है हमारे पे। हाँ, 1 किलोमीटर से घर पड़ रहा सरपंच का, पुराना जो सरपंच है उसका 1 किलोमीटर दूर घर है, वहाँ से बंदूक ला कर 6 फेर करे हम आमने सामने, पुलिस के आगे, पुलिस यहाँ थी, रोज के मियो की पुलिस आ गई है, उन्हें आपने वीडियो बनाई है ना। अच्छा, पुलिस से नहीं रुके वो लोग? पुलिस से नहीं रुके, पुलिस तो बड़ी नहीं कहे, हाँ पुलिस तो डर के नहीं, बड़ी नहीं उसके बीच में। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गले जितनी भी करी जाए, जितनी सहायता हो उतनी करनी चाहिए, सरकार है, पुलिस को पकड़ने चाहिए, अभी मुलजिम सारे रह रहे हैं, अभी तो 3 मुलजिम पकड़े हैं सिर्फ। चलिए, अरेस्ट करे जाओ, जल्दी से जल्दी करे जाओ। चलिए, ये गांव का मैं दिखाऊंगा, कहूँ कैमरामैन से बड़ा दिखाएं कि सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर, और इनका कहना ये है, ये रहना लगा हुआ है। अच्छा जी, हाँ,
सरपंच पे कब लगाई है रेना? ये जब लगा जब उसने बंदूक चलाई। अच्छा, अली जान ने बंदूक चलाई जब लगाए। हम तो रोक रहे लड़ाई वाले, गेट पत्थर फेंकने वाले रोक रहे, सड़क पे खड़े। उसने सामने चलाई सरपंच को, हम इसके बराबर है। अच्छा, इनको जान से मारना चाहते हैं? जी हाँ, इनके लिए चलाई, हम इसके बराबर। जी हाँ, सरपंच कर लेंगे, दोबारा सरपंच कर लेंगे। इसको मार दो, पैसा मैं खुद लगा दूंगा, ये बोलता अपना आदमी। अच्छा, कौन बोलता है? इलेक्शन वाली जान सरपंच बोलता है कि पैसा मेरे पे इतना है, मैं भुत्तेर काफी पैसा है, मर जा कोई फर्क ना पड़े मेरे, छुड़ा लूंगा मैं, ये कहता है साहब। किसी से इंक्वायरी कर लो, गाँव में पूछ लो, अगर यही ना कहता हो तो मैं झूठ बोलू। अच्छा, मेरे पैसे काफी है, मैं मार दो जो मारना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परवाह नहीं है सर, मेरे पे कोई परवाह नहीं है, अगर कोई मर जाता मेरे लिए। अब आप लोगों को डर लगता है नहीं लगता? डर लगता है, इतना डर लगता है, हमें पता जितने का हमारे अत्याचार कर रहा, मकान तोड़ रखा, आज मकान नहीं बन रहा, हमारे जो हमारे मकान तोड़ रखा है, भैंस बाहर बन रही है हमारी आज। जिस दिन जीत हुई थी उस दिन सारे वहाँ पे यहाँ पे पथराव करके सारे बाढ़ चटियाल कर दिए, तमाम टीन तोड़ सटेट बकर तोड़ रखो सर, आप मौजूद देख सकते हो, आप सारी टीम तोड़ रखी है। चलिए, ये हमारे साथ गांव के लोग हैं जिनके बीच में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है, सारे लोग डरे हुए हैं। हाँ, क्या ये एक बात और है जी, ये पहले से ही पुराना क्रिमिनल है। 2000 इस 2000 में इसने इलेक्शन लड़ा, उसमें इसने बूथ कैप्चरिंग करी, इसका रिकॉर्ड है, उसमें बूथ कैप्चरिंग करी। एक एमपी का इलेक्शन आया बीच में, उसमें बूथ कैप्चरिंग करी, उसमें मुकदमा आपबाजी हुई। उसके बाद इसमें 376 का मुकदमा है धौज का, रोज का थाना में दर्ज है। और एक NDPX एक्ट का मुकदमा है, इसमें पंजाब में एक साहब फरदाबाद दर्ज है, इस पर गांजा तस्करी का भी काम करता है, जैसी भी वगैरह कटवाना का भी काम करता है। ये पुराना क्रिमिनल है यहाँ का, तो जांच होनी चाहिए पूरे मामले। इसके जितने भी मुकदमे हैं आज, चाहे कोई से स्टेट में इसका मुकदमा है, उसकी सबकी जाँच हो और सब पे इसका मुकदमा ला दे जाए, मुकदमे इसमें बाकायदा है। चलिए, जो लोग जिन लोगों के चोट आई, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है किसी बड़े हॉस्पिटल में, और इनका मानना ये है कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा बाकी गांव की कुछ महिलाएं हैं, उनकी भी लगी चोट है ना। चलिए, उनसे बात करते हैं। और यहाँ सभी गांव के लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनकी अपील है नूह SP से और अपने पुलिस प्रशासन से। बड़का अलीमुद्दीन गांव में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसमें जमकर गोलियां चली, ईंटा पत्थर बरसाए गए। हमारे साथ एक अम्मा हैं जिनका हाथ तोड़ दिया गया, और अभी इनके हाथ में प्लास्टर लगाया हुआ है, इनका इलाज चल रहा है। अम्मा, क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, हाँ। कितनी उम्र हो गई भाई? होगी 60 साल की तो होगा। तो क्या हो गया हाथ में? यहाँ में गोली दी और वाने अली जान ने तो इसमें गोली लगी इसमें? हाँ। तो फिर क्या हुआ, टूट गया? टूट गया दो जगह से। अच्छा, हाँ। झगड़ा क्यों हुआ, क्यों हुई लड़ाई? झगड़ा से हमारे बालक जिम करन लगाया। हाँ। फिर जिम करके आगे हून पीटे। हाँ। फिर हूँ सुहा आगे हमारे बालक दौड़ करन लगाया। हाँ। फिर हमारे बालक जब घेर लिए, फिर हम अपने बालकन बचान लगाया। फिर झट हमारे बालकन ने हमने छोड़ के हमारे बालकन छोड़ झट हमने गुथ गए। अच्छा। जब लगी हमारे तो तुम वहाँ गई थी, यहीं आए थे वो लोग गुथने के लिए? हीन हमारे यहीं आया। अच्छा, घर पे आके मारा? घर पे आए दोबारा गुथा हम। भाई जब अपना गुथ मरा तो हम तो बचाएंगे, फिर वो तो छोड़ा हमारे बालक, हम नहीं गुथे। अच्छा, हाँ। तो खूब गोली चली? खूब गोली चली दब के। अच्छा, हाँ। तो और कितने लोगों को लगी है? 12-13 इनके लगी गोली। हाँ, गोली लगी 5-6 इनके तो, और 2-3 इनके गिड़ लगी हैं। हाँ, गिड़ लगी हैं। तो क्या चाहती है पुलिस से? हैं? हाँ, राड लगी है। हाँ, राड भी दिया उनने। अच्छा, हाँ। तो यहाँ आके मारते हैं वो लोग, यहाँ घर पे आके? घर पे आके मारा हैं? हाँ, घर पे आके मारा। अच्छा, हाँ, घर पे आके मारा हम तो। बालक बालक गया है जिंग करने, जब मारा बालक आप ही गुथा है, अली जान आप भी हो। अच्छा, हाँ। तो कितने लोग आते हैं वहाँ से? वह 20-25 बालक, वह है 5 ये है। अच्छा, हाँ। वो और तो पकड़ लिया हड़का बच्चा, वही पकड़ो, जो पकड़ो मारो हो वो तगड़ो बच्चा हो, अच्छो मारो। अच्छा, हाँ। खूब मारो पटक पटक के, लोहे की रोड से। हाँ, आँख में लालामी आ गई, खून इकट्ठा हो गया। बच्चा ने घर ना कही आके नहीं। हाँ। बच्चा ने ना कही मैं मारो हूँ, तो वह घुसो आयो वन, बच्चा बस नुई रहे जी में। फिर दौड़ कर गए सुबह सुबह, जब बिना कही वाने। हाँ।
दौड़ कर झून घेरो फलटो फलटो घेरो वाने फिर कही नुके मारो या मारो मार ले तो कोई बात ना। जब इन गुस्सायो जब वो हल्टा गिड़ बरसाई उन्हें हमारे ऊपर गिड़ बरसाए लाठी दी राड दी हमारे बूढ़ा बढ़ान के हमारे बालकन के बच्चान के भी थी। हाँ अच्छा गोली किस किसने चलाई थी? अली जान ने अलीम ने चलाई गोली। हाँ और नंगा होके सारी पब्लिक के बीच नंगो हो यहाँ। अच्छा हाँ ये अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं गांव की महिलाएं हैं जो बेचारी डरी हुई हैं सहमी हुई हैं इस बात को लेकर के लगातार आते हैं और वो लोग लगातार हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में फातिमा नाम की जो अम्मा है उनका हाथ में गोली लगी है बता रही हैं। उसके बाद में इनके हाथ में फ्रैक्चर आया और अब ये लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जाँच हो और हमें इंसाफ मिले।